हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे APSU यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेकंड ईयर ओपन बुक एग्जाम टाइम टेबल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हमारा APSU यूनिवर्सिटी अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ओपन बुक एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। कब से कब तक हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे समझ में आ सकेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल हमने डाउनलोड कर लिया और यहाँ पर दोस्तों क्लियर मेंशन किया गया है कि नियमित और प्राइवेट, अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो चाहे आप प्राइवेट के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए सेम टाइम टेबल रखा गया है। स्नातक प्रथम वर्ष नियमित स्वाध्याय, साथ ही सेकेंड ईयर का नियमित स्वाध्याय परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारी BA BCom PSC की सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की परीक्षा कब से कब तक होने वाली हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपना टाइम टेबल डाउनलोड कर लिया और दोस्तों यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि स्नातक फर्स्ट ईयर, जी हाँ दोस्तों BA BCom PSC का फर्स्ट ईयर का हमने टाइम टेबल यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है और दोस्तों यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है BA फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर और BHSc फर्स्ट ईयर। तो दोस्तों सबसे पहले हम BA फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि 14 जुलाई को हमारे क्वेश्चंस पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो वेबसाइट पर क्वेश्चंस पेपर सेकेंड फर्स्ट ईयर के कब अपलोड किए जाएंगे, 14 जुलाई को किए जाएंगे और 14 जुलाई को क्वेश्चंस पेपर अपलोड होने के बाद में दोस्तों 20 जुलाई को हमको शाम को 4 बजे तक हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उस कॉलेज में हमको सबमिट करनी है अपने क्वेश्चंस पेपर, यानी कि आंसर शीट आपको सबमिट करनी है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पेपर दोस्तों 14 जुलाई को एक साथ जारी किए जाएंगे, यानी कि आपको एक साथ डाउनलोड करनी है और इसके बाद में आपको अपनी आंसर शीट में लिखनी है और आंसर शीट में लिखने के बाद में दोस्तों 20 जुलाई को शाम को 4 बजे तक यहाँ पर आपको अपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जा करके आपको सबमिट कर देने हैं। ओके, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट कोर्स का भी देख सकते हैं। तो कौन सा कोर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, BLIB का दिखाई दे रहा है आपको। ओके, इसके बाद में दोस्तों हम BCom फर्स्ट ईयर और BCom होम साइंस फर्स्ट ईयर की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इनके भी 14 जुलाई को क्वेश्चंस पेपर वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और अपलोड होने के बाद में दोस्तों 20 जुलाई को शाम को 4 बजे तक आपको अपने कॉलेज में जाकर के सबमिट कर देना है इन क्वेश्चंस पेपर को, यानी कि आंसर शीट को, अपने क्वेश्चंस पेपर को आंसर शीट में सॉल्व करने के बाद में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों अगर हम नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो BBA फर्स्ट ईयर का है, BSW फर्स्ट ईयर का, इनका भी 14 जुलाई रखा गया है, यानी कि सेम डेट रखा गया। अब दोस्तों क्वेश्चन पेपर आपके कहाँ पर अपलोड किए जाएंगे, तो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे। मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा कि किस तरह से हमको अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं। ओके, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर की। तो दोस्तों अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो BA सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर हम BSc सेकेंड ईयर की बात करेंगे। तो दोस्तों BSc सेकेंड ईयर, BA सेकेंड ईयर की जो क्वेश्चंस पेपर वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे वो 13 जुलाई को, कब अपलोड किए जाएंगे सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस पेपर, 13 जुलाई को वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे सुबह 11 बजे तक। और इसके बाद में दोस्तों अपलोड होने के बाद में आपको अपनी आंसर शीट में सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस पेपर को, और सॉल्व करने के बाद में 19 जुलाई को शाम को 4 बजे तक आपको अपने कॉलेज में जा करके सबमिट कर देना है सभी आंसर शीट को, अपनी आंसर शीट में क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने के बाद में। तो यहाँ पर आपको टाइम पता चल गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट कोर्स का भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर BHSC का भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो BHSC BCom सेकेंड ईयर और BCom होम साइंस सेकेंड ईयर, तो दोस्तों इनकी भी 13 जुलाई सेम डेट रखी गई है और 19 जुलाई यहाँ पर भी सबमिट करने की, आंसर शीट को सबमिट करने की भी सेम डेट यहाँ पर रखी गई है। ओके, आगे हम देख लेते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो BBA का भी हम देख लेते हैं। तो BBA सेकेंड ईयर और BSW सेकेंड ईयर का भी जो समय रखा गया है वो सेम समय रखा गया है, यानी कि 13 जुलाई को आपके क्वेश्चंस पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे और 19 जुलाई को शाम को 4 बजे तक आपको अपने क्वेश्चंस पेपर आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना है, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जा करके। तो दोस्तों BA BSc BCom और BA BSc BCom का जो फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है, इनके मैंने दोनों का टाइम टेबल आपको अच्छे समझा दिया है। इन दोनों टाइम टेबल को दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप इन टाइम टेबल को डाउनलोड कर लेना। ओके, आपको कोई भी परेशानी आती है कमेंट करें, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना है, जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।